नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं जीपीएस मास्टर मनोज। चलिए दोस्तों, आज हम टाटा सुमो गोल्ड में जीपीएस इंस्टॉल करेंगे, जो कि एम्बुलेंस है। उसमें हम किस तरह से जीपीएस इंस्टॉल कर रहे हैं पूरा वीडियो देखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है प्लीज़ एक बार दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जो बॉक्स में दो नट रहता है, एक इस साइड में रहता है, दूसरा उस साइड में रहता है। ये दोनों नट को खोलने के बाद ये कवर आराम से निकल जाएगा। चलिए इसको निकालते हैं। देखिए, उसका नट निकल चुका है। अभी इसको देखिए, ये कवर भी निकल चुका है। उसका चाबी का कपलर भी देख रहे हैं कहाँ पर है। देखिए, ये गाड़ी का चाबी का कपलर है, देख सकते हैं। इसमें तीन कलर, फोर कलर है, फोर नहीं दो, फाइव कलर है। देखिए, फाइव कलर का वायर है। एक देखिए मोटा कलर का रेड का है, एक ऑरेंज का है, येलो का है, और इस तरह पे ब्लैक और येलो और ब्लू का कम्बिनेशन में एक वायर है। अभी हम इसमें चेक करेंगे, इसमें मेन करंट कौन सा है जिसमें 12 वोल्ट का करंट आ रहा है, और इग्निशन का कनेक्शन कौन सा है। उचित भाई थोड़ा चेक करके बताइए। देखिए, ये बॉल होल्डर हमने ले चुके हैं। अभी इसका जो रेड कलर का मोटा वायर है उससे मैं देखिए, और अभी ये लाइट जल चुका है, इसका मतलब ये डायरेक्ट मेन करंट है जो 12 वोल्ट का करंट आ रहा है। देखिए, ये होल्डर में जो लाइट है हम ग्राउंड में दे रहे हैं, ये जल रहा है, तो उसका मतलब ये मेन करंट है। अभी जो येल्लो का वायर है, मोटा वायर है, उसको हम चेक कर रहे हैं। अभी देखिए, चाबी ऑन कर रहे हैं, मतलब ये जल रहा है, तो ये इग्निशन का कनेक्शन है। अभी चाबी ऑफ करेंगे तो बंद हो गया, अभी ऑन करेंगे लाइट जल रहा है, तो ये कंफर्म हो चुका है। देखिए, ये जो मोटा वायर है रेड कलर का, ये मेन वायर है जो 12 वोल्ट का करंट है। ये जो इग्निशन का है वो ये मोटा कलर है येलो का, इग्निशन का है। चलिए दोस्तों, अभी इसमें जीपीएस इंस्टॉल करेंगे। इसमें हम बोस्ट्रा का जीपीएस इंस्टॉल करेंगे। देखिए, ये जीपीएस है, इसके अंदर एक सिम है, और साइज में छोटा सा देखिए वो स्विच भी है, और ये उसका कनेक्शन है। देखिए, ये जो कनेक्शन है, ये जीपीएस का कनेक्शन है। कनेक्टर इसमें फोर वायर देता है, एक रेड कलर का है, ब्लैक का है, एक ऑरेंज का है, एक येलो का है। ये कनेक्शन अभी हम दे रहे हैं। इसमें रिले फिटिंग नहीं होगा क्योंकि ये एम्बुलेंस है, तो इमरजेंसी में इंजन कटअप सिस्टम वो नहीं चाहिए उनको, तो ओनली इसमें जीपीएस इंस्टॉल करेंगे। चलिए दोस्तों, इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं अभी। देखिए, अभी हमें इन्हें कनेक्शन दे रहे हैं। जो देखिए कपलर का जो मेन करंट है 12 वोल्ट का करंट है, अभी जीपीएस का जो रेड कलर का वायर है उसको हम इसमें क्लिपिंग करेंगे। इसमें हम कुछ वायर कटिंग नहीं करेंगे, इसमें क्लिप में ही उसको देंगे। देखिए, और जो इग्निशन का करंट है, जो येलो कलर का वायर है, अभी देखिए हम इसमें एक वायर लूप कर रहे हैं। येलो कलर में एक दे दिया हमने, और रेड कलर में जो है वो मेन करंट है 12 वोल्ट का, और इग्निशन के लिए करंट, देखिए इग्निशन के लिए कनेक्शन लेके निकल चुके हैं इसमें। देखिए, ये दो कनेक्शन बराबर हो चुका है। अब इसमें कनेक्शन दे रहे हैं, देखिए बाकी कनेक्शन। देखिए, ये जो कनेक्शन है, ये गाड़ी में एक्स्ट्रा कनेक्शन था, उन्होंने कुछ हॉर्न वगैरह इसमें लगाए थे, तो इसमें ये जो कनेक्शन है, ये कुछ एक्स्ट्रा कनेक्शन उसका चाबी का है, वो सायरन का कनेक्शन इसमें दिए थे, तो इसलिए हमने देखिए ये जो इग्निशन का करंट था उसमें हम जो जीपीएस का जो इग्निशन का करंट है उसमें दे रहे हैं, इसलिए हमने ये वायर लूपिंग किया था। देखिए, इग्निशन का करंट जो है उसमें हमने दे चुके हैं। जीपीएस का रेड कलर का मेन करंट में, और जीपीएस का जो ऑरेंज कलर का है वो इग्निशन में, और उसका दो वायर लिखना है। देखिए, येलो कलर का कुछ काम नहीं है क्योंकि उसमें हम रिले फिटिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये रिले का सेंसर का है, तो ये हम इसको टैग करके रख लेंगे। अभी जो ब्लैक कलर का वायर है वो ग्राउंड का है, अर्थिंग का। देखिए, गाड़ी में बराबर अर्थिंग कहाँ पर आ रहा है उसी में ही अर्थिंग दीजिए। चलिए, अभी अर्थिंग का कनेक्शन देते हैं। देखिए, इसमें हमने अर्थिंग का कनेक्शन दे चुके हैं, जो ग्राउंड का कनेक्शन है। देखिए, ये कनेक्शन है, ब्लैक कलर का वायर है, ये अर्थिंग का ग्राउंड का कनेक्शन है। अभी जीपीएस का जो भी वायर कनेक्शन था हमने प्रॉपर दे चुके हैं। चलिए, अभी जीपीएस को इंस्टॉल करेंगे। ये जीपीएस का क्लिपिंग का जो भी कनेक्शन था हमने बराबर दे चुके हैं। अभी जो येलो कलर का उसका हम टैग करके रख लेंगे।
अभी इसमें जीपीएस एक्टिव करेंगे, क्लिपिंग करेंगे। मुझे भाई थोड़ा इसको क्लिपिंग कीजिए। देखिए अभी उसका कनेक्शन बराबर है तो लाइट इंडिकेट कर रहा है उसको, उसका मैं उसका साइड में जो स्विच है उसको ऑन करना पड़ेगा। देखिए स्विच ऑन हो चुका है। अब इसका कनेक्शन देखेंगे, उसका लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है, क्या क्या लाइट इसमें दिखाते हैं हम आपको। देखिए ये इसमें 3 कलर का लाइट इंडिकेट कर रहा है। ये पहला लाइट है जो रेड कलर का है, वो पावर का कनेक्शन है। और बीच में देखिए वो येलो का स्लाइट ले आ रहा है, वो नेटवर्क का है जिसमें सिम डला हुआ है। और ये साइड में देखिए जो ब्लू कलर का ब्लिंक कर रहा है वो सैटेलाइट का है। अब इसमें तीनों कनेक्शन ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब ये जीपीएस अभी अच्छे से कनेक्शन उसको हो चुका है, उसका कनेक्शन भी बराबर है। अभी जीपीएस को एक्टिव करते हैं, फिर इसको का अच्छे से सेट करके उसको इंस्टॉल करेंगे। एक्टिव हो चुका है अभी, देखिए उसको हमें अच्छे से यहाँ पर क्लिपिंग करके रख चुके हैं। अभी इसका जो भी कवर है उसको कवर दे देंगे। चले दोस्तों दूसरा वीडियो में देखते हैं दूसरा गाड़ी में कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।